नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोरल ड्रा 17 की, यानी कोरल ड्रा 17 की। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कोरल ड्रा 12, 13, 14 या 15, 16, 17 इन सब में काम करने का तरीका लगभग एक ही जैसा है। तो आपके पास जो भी वर्जन है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी वर्जन में काम कर सकते हैं। दोस्तों कोरल ड्रा को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए वन बाई वन करके आ रही हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखें, ताकि आप कोरल ड्रा को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ सकें और आगे हर काम को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों हमारा चल रहा है कोरल ड्रा 17 और इस अध्याय में हम सीखेंगे प्रिंटिंग के लिए हम कौन सा कलर सेलेक्ट करेंगे, कौन सा कलर पैलेट रखेंगे और खास करके इमेज के कलर मोड को हम कैसे चेंज कर पाएंगे। जैसे कोई भी हम डिज़ाइन करते हैं, वो हम हैंडबिल डिज़ाइन करें, कोई पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर किसी दुकान किसी शॉप वगैरह का जो है बैनर डिज़ाइन करते हैं, तो इन सभी को हमें प्रिंट करना होता है। प्रिंट के लिए दो तीन माध्यम हो सकता है। जैसे अगर हमें हैंडबिल वगैरह प्रिंट कराना है तो उसे हम सिंगल कलर के ऑफसेट प्रिंटर से हम प्रिंट कराते हैं, या फिर मल्टी कलर ऑफसेट प्रिंटिंग से हम प्रिंट कराते हैं अगर कलर है तो, या फिर मैरिज कार्ड वगैरह के लिए हम स्क्रीन प्रिंटिंग से प्रिंट करते हैं, या फिर उसे बैनर पोस्टर वगैरह फ्लैक्स प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट करते हैं, जैसे फ्लैक्स बैनर बनाते हैं। तो इन सब के लिए हम इस अध्याय में खास करके बात करेंगे, जो भी हम इमेज लगाते हैं उस पर कोई भी पिक्चर वगैरह लगाना है तो हम प्रिंटिंग के हिसाब से कौन सा कलर मोड रखेंगे ताकि बेहतर प्रिंटिंग इमेज का हो सके। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब होने के बाद इस बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। क्लिक करते ही नोटिफिकेशंस के लिए सेव करने के लिए बोलेगा, यहां से सेव कर दें। उससे क्या होगा कि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो यहां पर नोटिफिकेशन के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ईमेल के जरिए भी आपको इन्फॉर्मेशन जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज यहां से लाइक करें, और लाइक करने के बाद यहां से फेसबुक वगैरह के जरिए आप अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अगर हमारी YouTube की वीडियो फ्रेश दिखाई नहीं दे रही है तो आप यहाँ पर सेटिंग पर जाने के बाद, यहाँ पर क्वालिटी में जाने के बाद यहाँ से 360p पर क्लिक कर दें, या उससे भी बेहतर देखना है तो इससे ऊपर वाले नंबर्स पर क्लिक कर सकते हैं, जैसे 480x720 पर क्लिक करके देख सकते हैं, क्वालिटी आपको बेहतर मिलने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे किसी भी इमेज को प्रिंटिंग के लिए हम कैसे उसका कलर मोड सेट करेंगे, कलर मोड कैसे बदलेंगे। जैसे कोई भी इमेज है और आप उसको नेट से डाउनलोड करते हैं या कैमरा से उसको खींच रहे हैं, उसको फोटोशॉप में क्लीन करने के बाद, सेट करने के बाद जो है इंपोर्ट करके कोरल ड्रा में लेकर के आएंगे, और उसके बाद इसका कुछ शेप वगैरह कोई साइज वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से शेप से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर ऐसे इस टाइप की ज़रूरत है तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ से साइज और शेप इसका जो है यहाँ से आप अपने हिसाब से चेंज कर पाएंगे। उसके बाद जो है, अगर आप फ्लेक्स प्रिंटिंग के लिए कोई बैनर डिज़ाइन कर रहे हैं जो दुकान और दुकान शॉप वगैरह के बाहर जो ऊपर लगे रहते हैं, उसके लिए अगर फ्लेक्स मशीन से प्रिंट करना है तो उसके लिए आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप न्यू फाइल बनाएंगे कोरल ड्रा का, तो थोड़ा सा यहाँ पर सेटिंग हम देख लेते हैं जो पहले भी बताया जा चुका है। तो यहाँ से आप जो है, चूँकि बड़ा बैनर होता है तो उसके लिए आप यहाँ से फिट में हम कोई भी साइज़ लेते हैं, और यहाँ से आप अपने हिसाब से पेज का साइज़ दे सकते हैं, और यहाँ से कलर जो है आप CMYK रखेंगे, और यहाँ से जो रेजोल्यूशन है इसका 300 dpi रखेंगे। ओके करेंगे, वो फाइल उसी हिसाब से ओपन हो जाएगी, और अगर नहीं है यहाँ से तो आप बाद में भी सेट कर सकते हैं। और दूसरी सेटिंग होती है, यहाँ का जो कलर पैलेट है वो आप CMYK में रखेंगे, चाहे किसी भी प्रिंटिंग माध्यम से आपको प्रिंट कराना हो तो उसके लिए आप यहाँ से विंडोज़ पर आएंगे और एक कलर पैलेट से यहाँ से, और कोई अगर एक्टिव है तो उसको क्लोज करके यहाँ पर CMYK ऑन कर लेंगे। उसके बाद जो है, मान लीजिए हम फ्लेक्स प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट कराने के लिए फ्लेक्स बैनर बना रहे हैं तो उसमें जो इमेज लगेगा उसका कलर मोड जो होगा वो हमेशा CMYK मोड में होगा। तो हम पहले चेक करना चाहेंगे कि इस इमेज का मोड क्या है, किस कलर मोड में है ये इमेज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और नीचे ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज
है, इसका शॉर्टकट की अल्टर प्लस इंटर भी है, आप इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रॉपर्टी खुलेगी, यहाँ पर आपको पता लगेगा कि इमेज का साइज क्या है और उसका कलर मोड क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साइज जो है ये रहा और कलर मोड जो है 24 बिट कलर RGB में है। तो ये तो वहाँ पर लगेगा जो आप स्क्रीन के लिए कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, जो फेसबुक या व्हाट्सएप पर सेंड करने के लिए कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप इस मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हम फ्लैक्स बैनर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इमेज के कलर मोड को चेंज करेंगे CMYK में, जो बहुत ही ईजी है। हम इसको डुप्लीकेट बनाते हैं यहाँ से और इस इमेज को CMYK में चेंज करेंगे और देखेंगे फ़र्क क्या आ रहा है। CMYK में चेंज करने के लिए आप बिटमैप पर जाएंगे और यहाँ पर कन्वर्ट टू बिटमैप में जाएंगे और उसके बाद यहाँ से ये रेजोल्यूशन इसका 300 dpi ही रखेंगे और कलर मोड में यहाँ से अगर कोई और सेलेक्ट है तो आप यहाँ से CMYK कलर 32 बिट का चुनाव करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप ओके प्रेस करेंगे, थोड़ा सा वक्त लेगा, इस इमेज के कलर को RGB से CMYK में कन्वर्ट कर दिया। आप देख सकते हैं फ़र्क आपके सामने है, जस्ट डार्क हो गया है। अगर आप ये RGB मोड में रखते हुए अगर फ्लैक्स प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट करा देते हैं अपना फ्लैक्स बैनर, तो क्या होगा, बिल्कुल इमेज फीका आएगा। इसलिए इसका कलर मोड चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद हम चलते हैं, अगर आप कोई हैंडबिल वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, छोटा सा हैंडबिल डिज़ाइन कर रहे हैं किसी भी साइज़ का, या फिर बड़ा बैनर वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं जिसे आप सिंगल कलर में प्रिंट कराना है, जैसे नेता वगैरह का देखते हैं इलेक्शन वगैरह के दौरान काफ़ी रहता है, या छोटे मोटे बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट के लिए अखबार वगैरह में लोग हैंडबिल देते हैं, उस टाइप का अगर आप सिंगल कलर का कोई हैंडबिल डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो इमेज होगा उसका मोड जो होगा वो अलग होगा, क्योंकि वो जो हैंडबिल प्रिंट होगा सिंगल कलर ऑफसेट प्रिंट मशीन से प्रिंट होगा और स्क्रीन प्रिंटिंग से भी प्रिंट हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं सिंगल कलर ऑफसेट मशीन के लिए हमें कौन से कलर मोड की ज़रूरत है, तो हम इसी का डुप्लीकेट करते हैं और हम इसका कलर चेंज करेंगे, कलर मोड बिल्कुल सिंगल कलर ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए। इसके लिए भी हम बिटमैप पे जाएंगे, कन्वर्ट टू बिटमैप पे जाएंगे, सारा कुछ वही होगा। यहाँ कलर मोड में आ करके आप ये ग्रे स्केल 8 बिट का चुनाव करेंगे, क्लिक करने के बाद ओके करेंगे और जो है आप ये देख सकते हैं ये ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो गया है, ये बिल्कुल सिंगल कलर ऑफसेट से प्रिंट होने के लिए रेडी हो गया है, जो बहुत ही परफेक्ट प्रिंट होगा। और उसके बाद जैसे जो भी भाई लोग स्क्रीन प्रिंटिंग चलाते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग से अपना काम करते हैं और अपना रोजी रोटी चला रहे होते हैं, जनरली जब भी कोई इलेक्शन वगैरह का या जब भी कोई इस टाइप का हैंडबिल आता है, तो उनके लिए टेंशन बन जाती है कि स्क्रीन प्रिंटिंग से हम किस प्रकार से इसको इमेज को प्रिंट करेंगे। तो बहुत ईजी है फ्रेंड्स, बिल्कुल आराम से प्रिंट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि ऑफसेट कितना क्लियरिटी उसके अंदर नहीं आ पाती है। लेकिन अगर आप स्क्रीन प्रिंटिंग से प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हम कलर मोड का चुनाव करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद हम वापस वहीं पर बिटमैप और कन्वर्ट टू बिटमैप पे जाएंगे और यहाँ से कलर मोड का चुनाव जो करेंगे वो हम करेंगे ब्लैक एंड वाइट 1 bit पर और ओके करेंगे, तो इस तरीके का इमेज स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए बन करके आएगा। और हम यहाँ पोस्टर पर देख लेते हैं, अगर इस पोस्टर के अगर इमेज को हम स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए चेंज करते हैं तो किस टाइप से दिखेगा, सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद जो है कन्वर्ट टू बिटमैप पर और यहाँ से हम ब्लैक एंड वाइट 1 bit देते हैं, ओके करते हैं। थोड़ा समय लेगा, अगर जो भी ज़्यादा HD में है, जिस जो रेजोल्यूशन ज़्यादा है, उस इमेज को कन्वर्ट करने में थोड़ा समय लिया करेंगे। इसको हम ऊपर करते हैं शिफ्ट प्लस पेज अप से, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन से प्रिंट होने के बाद जो है ये इमेज इस टाइप की दिखेगी। कंट्रोल जेड करते हैं, दोबारा उसी कंडीशन में चलते हैं। तो दोस्तों, प्रिंटिंग के हिसाब से हमें इमेज का कलर मोड चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉपर तरीके से कलर जो है हमारा प्रिंटिंग के बाद इमेज जो है हमारा प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं देगी। तो ये 4 मोड हैं जो 4 तरीके से प्रिंट आउट करने के लिए काम में आएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 4 कलर मोड आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका होगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में हमें बताएं। अगर कोई आपका सुझाव है, कोई क्वेश्चन जनरेट होता है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। आगे कुछ अध्याय तक हम बैनर डिजाइनिंग और प्रिंटिंग से रिलेटेड ही बात करेंगे। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।